उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित कर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसे ही ऐलान किया वैसे ही बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी साफ कर दी। किसानों की बची कुची नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर धनखड़ को बधाई दी। किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वह संविधान के जानकार है, उन्हें विधायकी के कार्यों का पूरा ज्ञान है। वह राज्यपाल है, उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वह हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। जगदीप धनखड़ को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाने के पीछे भी कई पहलू हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में जगदीप धनखड़ का बड़ा हाथ रहा है। अपने बयानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 36 के आंकड़ों के लिए मशहूर जगदीप धनखड़ राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतरी होगी। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है, पुलिस का थाने में जाते हुए डरते हैं। साल 1989 में जनता दल से पहली बार सांसद चुने गए थे और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके बाद वह विधायक भी चुने गए। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के कैथाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़ और उनके दो भाइयों और बहन ने गांव के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। बाद में जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की डिग्री ली और साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की। साल 1988 तक देश में प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो गए। साल 1989 में वह सक्रिय राजनीति में आए और नवी लोकसभा के लिए झुंझुनू से सांसद चुने गए और 1990 में वह केंद्र में मंत्री बने। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाए और 1993 से लेकर 1998 तक वह विधायक रहे। लोकसभा हो या विधानसभा, वह जिस सदन के भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और तब से लेकर वह लगातार चर्चा में है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी का ठीक ठाक दबदबा है। जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐलान करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ममता का मुकाबला करने की क्षमता और जाट नेता होने की वजह से धनखड़ भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पहले पसंद बने। दरअसल बंगाल में जहां जहां भाजपा नहीं पहुंच पाई वहां धनखड़ ने बतौर राज्यपाल ने संवाद साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ जब एक और जाट नेता व वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ इन दिनों मुखर है
तो धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।